प्यारे बच्चों, आपका इस सेशन में फिर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक थर्ड पजल लेके आए हैं। इस पजल से पहले जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए उसके बारे में हम बताते हैं। एक मछली को एक मछली जार में ले लिया गया और उसके बाद उसमें कुछ खाना डाला गया, आटा डाला गया, बड़े आराम से खा रही थी। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक जगह उसके बीच में प्लेट डाल दी ताकि मछली जो है दूसरी दो पार्ट कर दिए और दूसरी जगह ना जा पाए, और उसके बाद दूसरे पार्ट में उन्होंने आटा डाल दिया। मछली बार बार आती, उस शीशे से चकराती और बार बार वापस चली जाती। फिर वैज्ञानिकों ने उस जो पार्टीशन गया था उस पार्टीशन को हटा लिया। फिर मछलियों ने फिर दोबारा वहां तक, उस मछली ने वहां तक जाने की कोशिश ही नहीं की। वो ये मान कर बैठ गई कि ये शायद वही अवरोधक लगा हुआ है जिस कारण वो वहां जाती नहीं थी। लेकिन हम इंसान थोड़े से कुछ अटकर हैं, हम इससे कुछ अलग सोच सकते हैं। हमें हर एक चीज को सोचने के लिए एक भगवान ने ब्रेन दिया है और ब्रेन का यूज करना है। अब बॉय है 63 सॉक्स। आज का जो थर्ड पजल है, एक लड़के के पास बच्चों 63 सॉक्स हैं। इन हिज ड्रॉअर 21 आइडेंटिकल रेड, 23 ग्रीन और 19 आपकी येलो हैं। द लाइट्स आर फ्यूज, लाइट चली जाती है। ही इज कंप्लीटली इन द डार्क। हाउ मेनी सॉक्स मस्ट ही टेक आउट टू मेक 100% श्योर ही हैज अ पेयर ऑफ रेड सॉक्स। अब आप थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर कॉपी पेंसिल लेकर इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। हाँ जी, देखिए बच्चों, अब बॉय है 63 सॉक्स, उसके बाद 63 सॉक्स हैं। अब लाइट चली गई और उसने जो स्कूल की ड्रेस समझ लो उसके अंदर उसको रेड सॉक्स पहन के जानी थी। वो कितनी पेयर्स उठा ले जिसको रेड सॉक्स मिल जाए। अब आप मुझे बताओ उसे कैसे सॉल्व करेगा और कैसे नहीं सॉल्व करेगा। तो 63 सॉक्स हैं जिसमें 21 आइडेंटिकल रेड है, 23 ग्रीन है और 19 येलो। तो इसका मतलब ये है, उसको यदि आप प्रोबेबिलिटी देखो तो उसको 23 तो ग्रीन वाली और 19 आपकी येलो वाली, और रेड चाहिए तो ये 42 और 42 प्लस 1 मतलब 43 सॉक्स जब वो उठा लेगा तो श्योर शॉट है कि एक रेड सॉक्स उसमें होगी होगी हर हालत के अंदर। और यहाँ पर बच्चों एक बात आपने समझ के चलनी है, जो पेयर बने हुए हैं वो पेयर एक साथ इकट्ठे बने हुए हैं, अलग अलग नहीं बने हुए, वो पूरी पेयर आता है। अब मैं एक बात और आपसे, एक छोटा सा पजल और पूछता हूँ, फिर उसके बाद आप वीडियो बंद कीजिए, फिर उसके बारे में सोचिए। बच्चों एक दरार है, उसके अंदर ब्लैक और व्हाइट सॉक्स हैं, और ब्लैक और व्हाइट सॉक्स हैं, और वो सॉक्स जो है पैर में नहीं पड़ी, बिल्कुल अलग अलग पड़ी हुई है जैसे बैग के अंदर हम लोग रख देते हैं। और लाइट चली गई और बच्चे को, बंदे को शादी पे जाना है और शादी पे जाना है, लाइट गई हुई है। अब वो कितनी सॉक्स उठा के लाए कि ताकि उसका एक पूरा पैर बन जाए, उसमें कोई कारण नहीं है कि वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कितना होगा। क्लोज यूर वीडियो एंड फिर ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, फिर आप मुझे बताएंगे कितनी। चार, चार कैसे, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। तो मिनिमम जो है बच्चों वो 3 सॉक्स उठाएगा। यदि दो उसमें से ब्लैक होंगी तो एक व्हाइट होगी, तो एक पेयर तो बन ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच।